देखो बंसीलाल के परिवार की एक ही श्रुति चौधरी है, बंसीलाल का जो दूसरा जो कैंडिडेट है बता रहे हैं वो ना कभी बंसीलाल के पास रहा ना कभी उन्हें साथ दिया। चौधरी बंसीलाल को उन्होंने कन्यादान तक नहीं करने दिया। जिस महेंद्र की जमानत श्रुति के पिताजी ने करा दी थी, कुल 25,000 वोट आए थे, आज इसको क्या हुआ? इलाके का माहौल क्या है? इलाके का एक तरफा माहौल है, यहाँ चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह की ही देन है। पानी लाने वाले विकास के काम किरण चौधरी ने बहुत काम किए हैं, यहाँ तो लोगों ने सोच लिया श्रुति चौधरी को बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे। लेकिन सर एक सवाल और है कि यहाँ के लोग वोट जो है वो इसलिए देते थे कि बंसीलाल जी के परिवार को देखते हुए, अब तो बंसीलाल परिवार के दो सदस्य हैं चुनावी मैदान में। देखो बंसीलाल के परिवार की एक ही श्रुति चौधरी है, बंसीलाल का जो दूसरा जो कैंडिडेट है बता रहे हैं वो ना कभी बंसीलाल के पास रहा ना कभी उन्हें साथ दिया। चौधरी बंसीलाल को उन्होंने कन्यादान तक नहीं करने दिया, वो तो शुरू से खिलाफ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़े उन्होंने, तो 98 में चौधरी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ा। आज श्रुति अनुरोध ने, अनुरोध के पिताजी ने, महेंद्रा ने उस टाइम में इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से, उनकी जमानत जब्त हुई थी, आज भी जमानत जब्त होगी इनकी। श्रुति चौधरी के जो खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं महेंद्रा जी के लड़के, वो तो एक सिर्फ उनको खत्म करने के लिए बंसीलाल परिवार को, वो तो दुश्मनी बढ़ती उन्हें हमेशा। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो हम ये कहें कि विरासत के तौर पे किरण चौधरी श्रुति चौधरी को देखते हैं। हाँ, ये शुरू से चौधरी बंसीलाल श्रुति को ही मानते हैं लोग, इसीलिए तो श्रुति को माँ जो किरण चौधरी हैं उनको 4 बार एमएलए बनाया, अब बेटी आई है उनको बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो विरासत का वोट ये बटेगा नहीं, जैसे कि बंसीलाल परिवार का जो एक वोटर है वो ऐसे कंफ्यूज वाली परिस्थिति में होगा क्या कि अनिरुद्ध को वोट दें या श्रुति को वोट दें? ऐसा है जी, चौधरी बंसीलाल का जो परिवार है तो शाम सारा जो जिला है पूरा हरियाणा है वो सारा ही श्रुति और किरण की तरफ देखता है, उनके दुश्मनों की तरफ नहीं देखता, और हर आदमी को पता है कि वो कौन है, असली वारिस कौन है। चौधरी बंसीलाल बहुत ऊंचे थे, उन्होंने श्रुति चौधरी को ही पगड़ी पर आई। ये शायद मैं कहूँ कि हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ जब दादा ने पोती को पगड़ी पहनाई थी, या दादा की मृत्यु के बाद पोती को पगड़ी पहनाई गई। उनको पता था कि चौधरी सुरेंद्र सिंह चले गए, उसके बाद मेरा जो राजनीतिक करियर है, मेरे जो वर्कर हैं उनको किरण चौधरी श्रुति ही संभालेंगे, तो इसलिए उनको अपनी राजनीतिक पगड़ी वैसी पगड़ी श्रुति चौधरी को पराई। हजारों लोगों की उपस्थिति भीम स्टेडियम में, हजारों लोगों में, तो असली वारिस तो ये श्रुति को बताया गया था। चौधरी बंसीलाल जी ने श्रुति को पगड़ी बना के बता दिया था, दुनिया में सिद्ध कर दिया था कि असली राजनीतिक वारिस मेरी यही है। और ये श्रुति चौधरी तो चुनाव लड़ रही है ना, ये अनिरुद्ध चौधरी इसके टक्कर में तो चुनाव लड़ रहे हैं। अनिरुद्ध के बाप को श्रुति चौधरी के बाप सुरेंद्र सिंह ने इतनी बुरी तरह हराया था, इसका अनिरुद्ध के बाप की जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त तो दुनिया में हो जाती, कोई बात नहीं, चुनाव लड़ेंगे जमानत जब्त भी होगी, परंतु हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था चौधरी सुरेंद्र सिंह ने जमानत करा के इसके महेंद्र का। क्यों? सारे लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 25,000 वोट लोगों ने, ये तो शाम में जाते हैं लोग पूछते हैं, बोले वही उसका महेंद्र का लड़का है जिस महेंद्र की जमानत श्रुति के पिताजी ने करा दी थी, कुल 25,000 वोट आए थे, आज इसको क्या हुआ? तो इसलिए बुरी तरह हारेगा, हम चुनाव जीत चुके हैं, हमारी लड़ाई मार्जिन की है, अब कितने वोटों हैं हम श्रुति जिताते हैं। तो सुरेंद्र जी और महेंद्रा जी दोनों के बीच में कहें कि पहले से इस तरीके की खींचतान रही है राजनीतिक तौर पे। श्रुति की बात छोड़ो, चौधरी बंसीलाल की साथ भी कभी बात नहीं करी महेंद्र सिंह ने, कभी भी जिंदगी में बात नहीं करी, इसलिए खचाव ये कभी बात नहीं करी कभी भी। ये महेंद्र सिंह तो अलग रास्ते पे था, ये महेंद्र सिंह और ये हुड्डा ने सारा खेल खेला है कि इसको चुनाव लड़ा दो और ये इसको श्रुति बोला दिक्कत कर देगा, दिक्कत नहीं आने वाले, तो शाम हल्का सारा श्रुति के साथ चल रहा है, तो शाम हल्का ही वारिस है चौधरी बंसीलाल का, असली बात तो है सारा हल्का जी जान से जुटे हुआ है। हाँ जी, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ ये चुनाव तो एक तरफा जीत हो चुके, बस आज लड़ाई हमारे मार्जिन की है। हाँ सॉरी, किरण चौधरी जी कहते हैं कि मैं 18,000 से जीती थी लीड, और हम तो ये कहते हैं श्रुति चौधरी 28,000 से ज़्यादा वोटों से लीड करेगी, हमने किरण चौधरी को आश्वासन दे दिया है, पक्का वादा कर दिया तो संभल के लोगों ने, तो अब लड़ाई हमारी यहाँ की 28 जो जीतती है श्रुति या 18 जीतती है, हम 18 से ऊपर 28 तक ले जाएंगे लीड को। इसलिए आज सारा हल्का ये बंसीलाल की देन है, जो ये देवता के समान मानते हैं बंसीलाल को यहाँ के लोग। जब भगवान बरसता है ना, पानी ऊपर से नीचे आता है, और चौधरी बंसीलाल जी ने 110 फुट नीचे से ऊपर पानी पहुँचाया था फुहारा सिस्टम से, इसलिए लोग देवता के नाम से जानते हैं इसको, ये देवता समझते हैं बंसीलाल को, इसलिए श्रुति बेटी तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, अच्छी लीड करेगी। इसलिए आपका यहाँ पहुँचने बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये बातचीत आपने सुनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।